हाय गाइस, टेक्नीशियन आसिम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारे पास लैपटॉप है HP DV2200। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, ये डिस्प्ले आ रहा है बट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो आइए मैं देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। आइए चार्जर लगा लेते हैं। चार्जर हमने लगा दिया है और अब हम इसको ऑन करेंगे। और अब एक मिनट, एक मिनट, केबल निकल गया इसका। केबल हमने लगा लिया है बट यहाँ से ऑन करेंगे इसे। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पहले भी कैसा लुक झुक कर रहा है। तो ये डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है और इसी चीज़ को हम चेक करते हैं कीबोर्ड में कि डिस्प्ले बोर्ड में है कि नहीं है। हमने कीबोर्ड लगा लिया, क्या प्रॉब्लम चल रही है। कीबोर्ड लगाने के बाद चेक करें तो डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे, तो डिस्प्ले यहाँ नहीं दिखा रहा है। इधर कैमरा करो, यहाँ कैप लॉक ऑन करने पे डिस्प्ले दिखा रहे हैं, यहाँ डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है। तो ये जानने के लिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। ये इसका कनेक्टर है, इसको निकाल लेते हैं पहले हम। ये मोस्टली केबल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ये दोनों चीज़ चेक करने से पहले हम बोर्ड में से चेक करेंगे क्योंकि डिस्प्ले आ रहा है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये जो इसका डिस्प्ले केबल है, पीछे केबल जहाँ से इसको डिस्प्ले मिलता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्बन जमा हुआ है। और ये कार्बन हम ये सर्जिकल ब्लेड लेंगे और इससे हल्का हल्का इसको तो मेरा मानना है यहाँ से हल्का हल्का इसको रिमूव करेंगे। यहाँ कार्बन जमने की वजह से डिस्प्ले नहीं दे रहा है। बहुत हल्के हल्के से करेंगे ताकि कोई सी पिन प्रिंट अगर उखड़ा तो डिस्प्ले ख़त्म ही हो जाएगा, उखड़ाएगा ही नहीं। इसको निकाल लिया है, ब्रश लेंगे और इसी यहाँ से इसको साफ़ कर देंगे अच्छे से। साफ़ कर लिया है और फिर मैं भी केबल लगा लेता हूँ वापस से। केबल मैंने लगा लिया इसमें और ये चार्जर भी लगा लेते हैं। पावर आ गई है और ये इसका कीबोर्ड भी लगा लेता हूँ। ऑन करेंगे इसको, पहले चार्ज भी कर दो। ये देखिए गाइस, अभी डिस्प्ले आ गया है। पहले क्या कर रहा था, बहुत डिम डिस्प्ले दे रहा था। तो मोस्टली ये केबल या डिस्प्ले की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बोर्ड से भी प्रॉब्लम करने लगता है। तो हम इस तरीके से आसान तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ये अभी बंद हो रहा है क्योंकि इसमें हीटिंग लगी हुई है, बट अभी ये पैक होएगा तो बराबर चलेगा। ये रिस्टार्ट होता रहेगा अभी ऐसे ही। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से किया, तो आपको आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक फॉर गाइस वॉचिंग वीडियो।